ये लीजिए बाजी। इन्होंने क्या इतर लगाया हुआ है यार। उमर को भी कसम से नमूने लाने का शौक है घर में। कोमल पुत्र लो, मैं उधर आपको देख रही थी। मैं क्या होती रानी का नाश्ता नहीं लेके जाना? मैं बड़ी मजेदार पूड़ी हलवा बना लेती हूँ, अगर आप कहें तो मैं बनाऊं। नूरे इनसे को अपने काम से काम रखें। आवाज नहीं आई, होली कुछ कह रही है बाजी? हरे की कह रही है? कुछ नहीं जी, बस बाजी के सर में दर्द हो रहा है और वैसे भी सुबह सुबह बाजी किसी से बात नहीं करती, उनकी आदत नहीं है। हाय बेड़ा तर गया, तो मैं रानी के सिर में तेल पा देती हूँ, चास दूंगी, आराम आ जाएगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो कॉफी पियेंगी सही हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग कोमल। गुड मॉर्निंग माजी। आप फिर बस पे रहेंगे ना? आपको कहा था कि आप बाहर आ जाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी पुत्र जी, पर वो पता क्या, वाई जहाज पे बैठते हुए मुझे बड़ा डर लगता है जी। पुत्र जी, वो रानी का नाश्ता नहीं लेके जाना, उसके सारे क्या सोच रहे होंगे। हाँ जी कोमल। व्हाट उमर? माँ जी क्या कह रही हैं? नाश्ता लेकर जाना है यार। नहीं ले जाना। अरे आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप चले ना नाश्ता करें, मैं इनसे पूछ के फिर आपको बता दूंगी। ऐसे ही बता देना ये आज से, ताकि फिर मैं ना वेले से तैयार कर लूं, फिर ना कहना कि देर हो गई है। तुम यहाँ पे बैठ के अकेली नाश्ता क्यों कर रही हो? वहाँ डाइनिंग टेबल पे सबके साथ। कैन यू प्लीज लेट मी बी, मैं थक गई हूँ यार। ये क्या तरीका है? मेहमान है वो हमारे घर में। पहले तो मुझसे को ये जो इतर लगा के आई है ना, ये मत लगाए करें यार, इट्स गिविंग मी स्प्लिटिंग हेडेक। ओके